भैया कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? बढ़िया हो ना? नहीं पाकिस्तान का एक और सीरीज अनाउंस हो गया और ससुर ये एक नहीं बल्कि तीन तीन टीमों का मैचेस होने वाला है। कहा है कि पाकिस्तान ने अब एक नया सीरीज जारी किया है जिसके पोस्टर में उन्होंने बताया है कि उनकी सीरीज है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ ट्रायंगल ये सीरीज हो गई, यानी कि तीन टीमें आपस में भिड़ेंगे, एक टूर्नामेंट की तरह होगा और ये सीरीज होगी न्यूजीलैंड में। उसका शेड्यूल अनाउंस किया, बताया गया कि मैचेस जो है वो कब कब और किस किस टाइम पर होने वाले हैं। तो उसके लिए आपने अभी तक हमारा ये छोटा सा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया इसको सर सब्सक्राइब करो ताकि आपको मजीद भी पाकिस्तान और इंडिया की खबरें देखने को मिलती रहे क्रिकेट से मुतालिक। अब चलते हैं अपने यहाँ टॉपिक की तरफ। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा सीरीज खेलनी है कुछ अगले छः महीने के अंदर। कहा है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड की ट्रायंगल सीरीज हो गई है और यहाँ पर इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस खेलने हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरीज हैं। लेकिन फिलहाल तौर पर जो कि ऑफिशियली अनाउंस की है यहाँ पर न्यूजीलैंड की सीरीज जो कि पाकिस्तान ने अनाउंस की और होस्ट है वो इसको न्यूजीलैंड करने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला मैच जो है वो खेला जाएगा कब? 7 अक्टूबर को खेला जाएगा पहला मैच और ये खेला जाएगा पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि भाई बांग्लादेश को भी इसके बीच में ला के दो एशियन टीम्स और एक जो है वो नॉन एशियन टीम होंगी। मुकाबला बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा अपना पाकिस्तान पहला मैच। तो यहां पर आप देखोगे तो जो 8 यानी कि 7 अक्टूबर को वो दिन होगा जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा। दूसरा मैच जो होगा वो ससुरा होगा यहाँ पर 8 तारीख को जो कि होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में। देखिए न्यूजीलैंड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टीम है, आजकल फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त छाई हुई है और पाकिस्तान का कुछ पुराना हिसाब भी है उसके साथ। कहा है कि यहाँ पर जब लास्ट टाइम न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी तो यहाँ बगैर कोई मैचेस खेले ही चली गई थी, या पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में जाकर मैचेस खेलने हैं तो यहाँ पर मामला जो है वो थोड़ा संगीन हो सकता है। अब लास्ट ईयर अगर आपको पता नहीं तो वैसे तो हमने वर्ल्ड कप के अंदर इनको थोड़ी सी यानी कि नानी वानी याद दिलवाई थी इनकी, लेकिन अभी तक जो है हमने न्यूजीलैंड जाके वहां पर उनकी फेंट नहीं लगाई है। तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है पाकिस्तान के पास वहां जाके जो है उनकी बजाने के लिए। तो न्यूजीलैंड का मैच है पाकिस्तान के साथ 8 तारीख को, फिर न्यूजीलैंड का मैच है बांग्लादेश के खिलाफ। तो यहाँ हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे बांग्लादेशी भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं। वहां पर जाके जो हम दोनों एशियन टीम बजाएंगे ना उसकी बहुत ही ससुरा बजाएगा, हम बता रहे हैं आपको, आप ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर 9 तारीख को मैच है न्यूजीलैंड का मुकाबला बांग्लादेश और फिर 10 तारीख को दोबारा से मैच है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान जो है वो दो दो मैच खेलेगा हर अपने अपॉइंटमेंट से। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचेस जो है वो कन्फर्म्ड हैं। अब यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में 11 तारीख को होगा ये चौथा मैच होगा इस सीरीज़ का। फिर सीरीज़ का जो 5वां मैच है वो है न्यूजीलैंड बांग्लादेश का मैच एक बार फिर से खेला जाएगा, जिसमें अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर 12 तारीख को जो है ये मैच खेला जाएगा। और फिर 13 तारीख को बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में यानी कि दोनों एशियन टाइगर्स आपस में भिड़ेंगे। ससुरा एक ही मुल्क हुआ करते थे, पता नहीं काहे हम दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलता है, हम इंडिया से अलग हुए तुम हमसे अलग हो, ये सब तो चलता रहता है। खैर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता है मैंने मुंह से बहुत ही गलत बात बोल दी है, इसको मैं कटिंग कर दूंगा, पोछूंगा अगर कट गई तो। अब देखो यहाँ पर ये सब तो अगर चलता रहता है, अब यहाँ पे 14 तारीख को होगा फाइनल। और फाइनल किस तरह से होगा, देखिए ये जो टीमें हैं बांग्लादेश 2 मैचेस खेलेगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड 2 मैचेस खेलेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ, और पाकिस्तान 2 मैचेस खेलेगा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो यहाँ पर जो हर टीम अपने अपॉइंटमेंट से दो दो मैच खेलेगी और जो टॉप की जो दो टीमें होंगी ना उसमें जो है दो टॉप की दो टीमें होंगी वो खेलेंगी फाइनल। तो यहाँ से फाइनल का मुकाबला जो है इस तरीके से होगा। अक्टूबर के महीने में जो है सीरीज़ को अनाउंस किया गया और इसके फौरी बाद ही आपको वर्ल्ड कप भी देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में ये सीरीज़ जो है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और स्पेशली बांग्लादेश का इसमें होना ये एक दाल में तड़के के बराबर है, क्योंकि बहुत ही शानदार टीम है बांग्लादेश भी इस टाइम पे अगर आप देखते हो तो। और न्यूजीलैंड की कंडीशन में बांग्लादेश ने पहले भी प्रूव किया हुआ, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराया था टेस्ट में अगर आपको याद ना हो तो। यहाँ पर जो है बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा मौका है, और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का फाइनल हो जाए ना मज़ा आ जाएगा। कहा है कि न्यूजीलैंड में मैचेज हो रहे हैं और दोनों एशियन टीमें फाइनल्स में चली गई तो मज़ा तो दोबारा होना ही है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की होप्स है और इससे फायदा बांग्लादेश को भी बहुत ज्यादा होने वाला है और पाकिस्तान को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। कहा है कि पाकिस्तान को भी जरूरत है इस सीरीज की और बांग्लादेश को तो पाकिस्तान से भी ज्यादा जरूरत है, और ये ना हो कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान जो आपस में लड़ते रह जाए और बांग्लादेश जो ट्रॉफी उठा के निकल ले तो भाई उनके ऊपर भी ध्यान देनी पड़ेगी। कहा है कि बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल, बहुत ही शुभ क्रिकेट खेल रहे हैं, बट टेस्ट में थोड़ा उनका दिन माड़े चल रहा है। कहा है कि वेस्ट इंडीज में गए हुए हैं वहां पर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो खासा अच्छी नहीं आई है, मगर फिर भी बांग्लादेश के पास मौका है कि टी20 में अभी भी
वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकते हैं। पिछले जो वर्ल्ड कप हुआ था 2021 का, उसमें तो बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी थी यार बांग्लादेश ने, सीरियसली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मगर मेरे ख्याल अफगानिस्तान ने उससे बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन अब जो है बांग्लादेश को भी देखना पड़ेगा काहे कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अभी तुम लोग का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, हम उसका जवाब जो है आपको बहुत ही जल्दी देने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। फिर करते क्या, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइट है नहीं, पसीना हो रहा है, मतलब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी जरूर दबाना। ओके, अल्लाह हाफिज़।